हमारा आज का अगला टॉपिक जो है वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गियर ट्रेन हम लोग पढ़ रहे हैं। उस क्लासिफिकेशन ऑफ गियर ट्रेन में सिंपल गियर ट्रेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो दूसरा अगला आपका जो गियर ट्रेन है वो है कंपाउंड गियर ट्रेन, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त गियर ट्रेन। ठीक है, किसी भी गियर ट्रेन को कंपाउंड गियर ट्रेन कब कहेंगे ये आपको जानना है, उसकी ट्रेन वैल्यू निकालनी है, स्पीड रेशियो निकालना है, इसका क्या यूज है ये आपको समझना है। ठीक है, तो गियर ट्रेन आपको पता है कि जब दो या दो से ज्यादा गियर का यूज करके शाफ्ट के मोशन या पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसमिट कर दिया जाता है तो आपका हो जाता है गियर ट्रेन। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं संयुक्त गियर ट्रेन। क्या होता है कि अगर एक शाफ्ट पे एक से ज्यादा गियर लगा दिए जाए तो वहां पे वो जो गियर ट्रेन अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। सिंपल में क्या हो रहा था कि एक शाफ्ट पर एक ही गियर ट्रेन लगाया जा रहा था, तो ऐसा जो गियर ट्रेन होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। देखिए, जो आपका सिंपल गियर ट्रेन था उसमें हम दो गियर शाफ्ट जो थी उनके बीच में अगर डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती तो उनके बीच में हम इंटरमीडिएट गियर यूज करके मोशन या पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसफर करते हैं। तो इंटरमीडिएट गियर जो वहां पे होता है इनके साथ सिंपल गियर ट्रेन, तो वहां पे उसका सिर्फ दो काम होता है, या तो डायरेक्शन चेंज करता है और उसके साथ साथ वो जो है उन दोनों शाफ्ट के बीच में जो डिस्टेंस ज्यादा है उसकी ब्रिजिंग करता है, यानी दोनों को बीच में जो गैप होता है उसको भरने का काम करता है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि अगर सिंपल के बजाय कंपाउंड गियर ट्रेन में जब हम आ जाते हैं तो ये जो इंटरमीडिएट गियर लगाया जाता है यहाँ पे ये ब्रिजिंग का काम तो करता है, यानी कि जैसे देखिए यहाँ एक शाफ्ट है और उस शाफ्ट पे एक आपका गियर लगा हुआ है, इसको मान लीजिए कि ड्राइवर गियर है क्योंकि इसी को पावर दी जाएगी चलाने के लिए, और ये ड्रिवन गियर है यानी फॉलोअर है जो सबसे लास्ट में है, इसी को हमें चलाना है। अब इन दोनों के बीच में देखिए गैप कितना ज्यादा है, तो इस गैप में हम दो अलग अलग शाफ्ट लगाते हैं और एक शाफ्ट पे दो गियर लगा दे रहे हैं। तो जब एक शाफ्ट पे दो गियर लग जाता है तो ये आपका हो जाता है कंपाउंड गियर। तो हमें ये जानना है कि ये जो कंपाउंड गियर होता है ये कैसे क्या काम कर रहा है। एक्चुअली जो इंटरमीडिएट गियर सिंपल में हम लगाते हैं सिंपल गियर ट्रेन में, उसमें क्या होता है कि सिंपल गियर ट्रेन वाले इंटरमीडिएट गियर में वहां पे वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है और उसके बीच में ब्रिजिंग करता है। लेकिन अगर ठीक उसी समय यानी ब्रिजिंग करने के अलावा डायरेक्शन चेंज करने के अलावा अगर हमें वेलोसिटी रेशियो बहुत ही ज्यादा हाई या फिर बहुत ही ज्यादा कम चाहिए तो उस कंडीशन में इस इंटरमीडिएट गियर के एडवांटेज को हम लोग कंपाउंड गियर के तरीके से यूज करके ले सकते हैं। यानी ब्रिजिंग के साथ साथ अगर हमें हाई स्पीड रेशियो या फिर बहुत ही हाई स्पीड रिडक्शन चाहिए तो ऐसी कंडीशन में हम कंपाउंड गियर यूज करते हैं। कंपाउंड गियर जो होता है वो ड्राइवर और ड्रिवन गियर के बीच में अलग इंटरमीडिएट शाफ्ट लगा करके उस पर एक शाफ्ट पे दो गियर लगा करके हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो गियर अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं गियर कंपाउंड गियर ट्रेन। क्लियर। अब कंपाउंड गियर ट्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, कई बार आपको क्या करता है जो क्वेश्चन देगा वो आपको ये पूरा हटा देता है, सिर्फ और सिर्फ ये फिगर आपको दे दिया जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मान लीजिए आप इसको भूल जाए, इस पूरे सेक्शन को छोड़ दें, तो आप यहां से ये देखते हैं कि ये आपका एक शाफ्ट हो गया तो इसका मतलब यहाँ एक गियर लगा होगा, ये दूसरा शाफ्ट हो गया, ये शाफ्ट देखिए पूरा लंबा है तो इसका मतलब इस पे एक गियर यहाँ लगा हुआ है, दूसरा गियर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ एक तीसरा गियर जुड़ रहा है जो अलग शाफ्ट पे है, इसका मतलब ये इस पे है और इसी शाफ्ट पे दूसरा गियर लगा हुआ है, फिर इसके बाद इसके साथ एक अलग शाफ्ट पे ये अलग गियर लगा हुआ है। तो एक शाफ्ट पे जो दो गियर लगे हुए हैं वो सेम स्पीड से चलेंगे, यानी कि टू और थ्री वो एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं इसलिए टू और थ्री की स्पीड सेम होगी, क्योंकि जो शाफ्ट घूमेगा जिस स्पीड से उसी स्पीड से उसके साथ जो फिक्स आपका शाफ्ट गियर होगा वो उसी स्पीड से घूमेगा। इसी तरह से फोर और फाइव आपका जो है वो एक शाफ्ट पे लगा हुआ है, ये भी दोनों जो होंगे वो एक साथ स्पीड जो है एक ही स्पीड से मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस बात को समझे रहना है कि ये जो आपका फिगर दिया जाएगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये छोटा शाफ्ट का दिया है, इसका मतलब एक गियर लगा है, ये अपनी मोशन या पावर को ट्रांसफर करेगा अगले गियर पे, इसी गियर पे एक दूसरा शाफ्ट इसी शाफ्ट पे एक दूसरा गियर लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला गियर और ये वाला गियर जो होगा वो सेम स्पीड से चलेंगे, ये अपनी मोशन को इस पे ट्रांसफर करेगा, इस पे इस शाफ्ट पे दो गियर लगे हैं, एक ये लगा हुआ है, यानी ये दोनों सेम स्पीड से चलेंगे और ये अपनी मोशन को इस वाले पे ट्रांसफर करेगा, यानी ये आपका गियर एक हो जाएगा, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये पांच हो गया और ये हो गया सिक्स यानी छह। तो इस तरह से ये मोशन और पावर को ट्रांसफर करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे जरा देखिए, गियर जो वन है ये कनेक्टेड है गियर टू से,
तो गियर वन यहाँ पे ड्राइवर हो गया क्योंकि पावर इसी को दी जा रही है। गियर टू जो है ये आपका ड्रिवन या फॉलोअर हो जाएगा क्योंकि इसको ये चला रहा है और इसी पे आपका इसके साथ एक दूसरा गियर लगा हुआ गियर नंबर थ्री। तो जो गियर नंबर थ्री है वो आपका जो है इसी के साथ साथ घूमेगा। तो टू और थ्री सेम स्पीड से घूम रहे हैं यानी यहाँ पे अब जो थ्री नंबर है वो चलाएगा गियर नंबर फोर को। तो थ्री नंबर जो है वो ड्राइवर हो गया और फोर नंबर जो होगा वो ड्रिवन हो गया। सेम इसी स्पीड से आपका ये पांचवा जो नंबर है गियर का ये भी इसी स्पीड से मूव कर रहा है यानी चार और पांच जो होंगे वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तब ये पांच जो है छह को चलाएगा यानी पांच अब आपका ड्राइवर हो गया और छह आपका ड्रिवन हो गया। तो देखिए गियर नंबर वन गियर नंबर थ्री एंड गियर नंबर फाइव ये तीनों आपके हो गए ड्राइवर क्योंकि ये चलाने का काम कर रहे हैं एंड गियर नंबर टू फोर एंड सिक्स ये आपके जो है ड्रिवन है क्योंकि किसी दूसरे गियर के माध्यम से इनको चलाया जा रहा है। इसलिए वन थ्री फाइव टू फोर सिक्स ड्रिवन हो गया, वन थ्री फाइव आपका वो ड्राइवर गियर हो गया। ठीक है तो यहाँ पे हमें जो है इसका स्पीड रेशियो निकालना है, ट्रेन वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको पता है कि जो स्पीड रेशियो होता है वो होता है स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लास्ट ड्राइवर। फिलहाल इस बात को छोड़ते हैं, अभी हम सीधे यहाँ से वैल्यू देखते हैं। अगर हम स्पीड रेशियो देखें तो स्पीड रेशियो आपको पता है कि स्पीड ऑफ द ड्राइवर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ड्रिवन, यही होता है स्पीड रेशियो। तो वन से पावर टू में ट्रांसफर हो रही है तो वन से टू के लिए अगर पावर ट्रांसफर हो रही है इसके लिए जो हो जाएगा एन वन बाई एन टू इज इक्वल टू हो जाएगा टी टू बाई टी वन, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया। गियर नंबर थ्री पावर को ट्रांसफर कर रहा है फोर पे यानी हम तीन से चार के लिए चलेंगे थ्री टू फोर, टी हो जाएगा एन थ्री डिवाइडेड बाई एन फोर दैट इज इक्वल टू टी फोर बाई टी थ्री, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर टू। आप देखिए गियर नंबर जो फाइव है वो अपनी पावर ट्रांसफर कर रहा है सिक्स पे क्योंकि फोर का कनेक्शन बस खाली थ्री के साथ है और किसी के साथ नहीं है तो यानी फाइव को सिक्स में लेके चल रहा है। तो फाइव टू सिक्स चले अगर हम तो यहाँ पे हो जाएगा एन फाइव डिवाइडेड बाई एन सिक्स। देखिए वन ड्राइवर है तो इसलिए ऊपर रखा गया, थ्री ड्राइवर है ऊपर रखा गया, फाइव ड्राइवर है तो ऊपर रखा गया, एन फाइव बाई एन सिक्स ये हो जाएगा टी सिक्स डिवाइडेड बाई टी फाइव, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन वन टू थ्री तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई आप करोगे तो हो जाएगा एन वन बाई एन टू मल्टीप्लाइड विथ एन थ्री बाई एन फोर मल्टीप्लाइड विथ एन फाइव डिवाइडेड बाई एन सिक्स, ये हो जाएगा इज इक्वल टू टी टू टी फोर टी सिक्स डिवाइडेड बाई यहां से आ जाएगा टी वन टी थ्री एंड टी फाइव। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए हमने कहा कि दो और तीन एक ही साथ पे है इसलिए इनकी स्पीड क्या होगी सेम, यानी कि जो M2 होगा वो किसके बराबर होगा M3 के, और 4 और 5 एक ही साथ पे है तो इसका मतलब 4 और 5 इक्वल होंगे तो M4 इज इक्वल टू हो जाएगा N5। तो यहां से देखिए N2 और N3 दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गए, N4 और N5 सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा N5 N1 डिवाइडेड बाय N6 इज इक्वल टू टी टू टी फोर टी सिक्स डिवाइडेड बाय टी वन टी थ्री एन टी फाइव। तो इस तरह से आपका जो स्पीड रेशियो वो क्या हुआ स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर एन वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन आपका छह नंबर है तो हो गया एन वन बाई एन सिक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टी थर्ड ड्रिवन यानी टी टू टी फोर टी फाइव यानी कि दो चार छह ये क्या हो रहे थे ड्रिवन हो रहे थे फॉलोअर हो रहे थे इसलिए इनके नंबर ऑफ टी का प्रोडक्ट ले लिया गया डिवाइडेड बाई वन थ्री और फाइव ये आपके ड्राइवर हो रहे थे तो यहाँ पे वन थ्री फाइव जो है वो आपका क्या हो गया ड्राइवर हो गया। क्लियर तो इस तरह से जो स्पीड रेशियो हो गया दिस इज एस आर इज इक्वल टू एन वन बाई एन सिक्स इज इक्वल टू टी टू इंटू टी फोर इंटू टी सिक्स डिवाइडेड बाई वन थ्री फाइव, इस तरीके से आप यहाँ से इसका स्पीड रेशियो निकाल देंगे। ठीक है इसके साथ साथ आपको अगर इसकी ट्रेन वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम ट्रेन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि जो ट्रेन वैल्यू होती है वो क्या होती है ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू मान लीजिए हमें ट्रेन वैल्यू निकालनी है फॉर द ट्रेन वैल्यू, तो ट्रेन वैल्यू अगर हम निकाले वन से टू के बीच में चल रहे हैं तो आपको पता है जो ट्रेन वैल्यू होती है वो क्या होती है दैट इज इक्वल टू स्पीड स्पीड ऑफ ड्रिवन ड्रिवन की स्पीड है एन टू तो एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू यहां से आ गया टी वन बाई टी टू इक्वेशन नंबर वन हो गया। इसी तरह से थ्री फोर में जा रहा है तो यहां हो जाएगा एन फोर बाई एन थ्री इज इक्वल टू टी थ्री बाई टी फोर, आपका फाइव सिक्स में जा रहा है तो उल्टा ही लिखते हैं इसको एन सिक्स बाई एन फाइव इज इक्वल टू ये हो जाएगा टी फाइव डिवाइडेड बाई टी सिक्स। ठीक है सबको फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए
जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एन टू एन फोर एन सिक्स डिवाइडेड बाई यहां आ गया एन वन एन थ्री और एन फाइव। ठीक है, अब देखिए जरा टू और थ्री की स्पीड इक्वल है तो टू और थ्री यानी कि ये टू और ये थ्री कैंसिल आउट हो गए, एन फोर और एन फाइव इक्वल है तो फोर और फाइव इक्वल हो गए, ये भी बराबर कैंसिल आउट हो गए, तो यहां आ गया टी वन टी थ्री एंड टी फाइव। ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा टी टू टी फोर एंड टी सिक्स, यहां से निकल के आ गया एन सिक्स बाई एन वन इज इक्वल टू टी वन टी थ्री एंड टी फाइव डिवाइडेड बाई टी टू टी फोर एंड टी सिक्स। तो इस तरह से जो आपका ट्रेन वैल्यू है वो जस्ट अपोजिट आ गया किसका, स्पीड रेशियो का। तो ट्रेन वैल्यू आपकी आ गई एन सिक्स बाई एन वन, एन सिक्स क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन, क्योंकि टू फोर सिक्स तीन ड्रिवन है तो तीन में से लास्ट कौन सा है, छह नंबर, तो यहां हो गया स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन डिवाइडेड बाई एन वन स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर। क्लियर, तो इस तरह से लास्ट ड्रिवन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर इज इक्वल टू, देखिए वन थ्री फाइव ये किसके नंबर ऑफ टीथ है, जो ड्राइवर है वन थ्री फाइव जो ड्राइवर गियर है उनके टीथ है, तो यहाँ हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ एंड ड्राइवर डिवाइडेड बाई टू फोर सिक्स ये किसके टीथ है, तो ये ड्रिवन या फॉलोअर के हैं, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ एंड ड्रिवन। तो इस तरीके से आप इनकी जो ट्रेन वैल्यू है और स्पीड रेशियो है वो किसी भी कंपाउंड गियर का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी हमें अगर हम बात करें सिंपल गियर ट्रेन की, तो सिंपल गियर ट्रेन में जो हमारा इंटरमीडिएट गियर होता था उसमें अगर मान लीजिए हमें स्पीड रेशियो जो है वो घटानी है या बढ़ानी है उसके हिसाब से हमें उसका वो नंबर ऑफ गियर है बहुत बड़ा करना पड़ता है, किसके केस में, सिंपल गियर ट्रेन के केस में। लेकिन अगर छोटा गियर यूज करके स्पीड रेशियो हाई या लो करना हो तो उस कंडीशन में हम कंपाउंड गियर ट्रेन यूज करते हैं, और वैसे भी जो आपका सिंपल गियर ट्रेन होता है उसमें उसका स्पीड रिडक्शन जो होता है वो 7:1 होता है। अगर इससे हायर करना है, इससे हायर स्पीड रेशियो आपको चाहिए, तो इसके लिए आप या तो फिर कंपाउंड गियर यूज करेंगे और या फिर दूसरा रास्ता आपके पास है कि वॉर्म एंड वॉर्म व्हील यूज करिए। ठीक है, ये आप यूज करके बहुत ही हाई स्पीड रेशियो गेन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको कंपाउंड गियर जो है वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंपाउंड गियर वर्क कर रहा है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, स्पीड रेशियो कैसे निकाल सकते हैं और ट्रेन वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज जो है वो ये है, इन पे हम न्यूमेरिकल्स भी आगे भी कराएंगे, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे, जो दो और क्लासिफिकेशन है इसके बाद हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो ये मेन समझना आपको है कि कहां से ये पावर ट्रांसफर कर रहा है और इनका क्या मतलब है। क्लियर, तो आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया या कोई और प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।